ताल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी पक्ष कांग्रेस को लेकर कहा है कि कांग्रेस ने पेगासस के मुद्दे को उठाया, अपने ही नेताओं के फोन टेप कांग्रेस करवाया करती है, ये कांग्रेस में होता है। कांग्रेस राज में 9000 फोन टेपिंग के मामले सामने आए थे, हमारे देश की छवि विदेशों में कांग्रेस पार्टी खराब कर रही है। मुख्यमंत्री का आरोप, आज सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेगासस जासूसी मामले को स्पेशली उठाया और इस पर अपनी राय रखी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को लेकर सवाल खड़े किए कि मानसून सत्र की शुरुआत होने से एक दिन पहले ही इस मामले का खुलासा किया गया, ये साजिश है। ये एक कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी एनएसओ है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टेपिंग की बात चलाई गई है। वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीजों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे, जबकि हमारी सरकार का किसी प्रकार का दूर दूर तक इस तहत कोई लेना देना नहीं है। और उनके यहां का इतिहास तो ये है कि आपको ध्यान में होगा, एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृहमंत्री थे पी चिदंबरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृहमंत्री वित्त मंत्री के फोन टेपिंग करा रहे हैं, कैसे चंद्रशेखर की सरकार को दो जासूसों की कहानी बनाकर कैसे गिरा दिया गया। 9000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो यूपीए के समय जिन लोगों की फोन टेपिंग होती रही, 9000, तो ये इतिहास भरा पड़ा उनका, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है, लोकतांत्रिक तरीकों से चीजों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है ये इमरजेंसी में हमने देखा है। कांग्रेस के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ कहें, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, जिसका कम से कम देश की जो हमारी संप्रभुता है, देश का जो हमारा मान सम्मान है, उसका तो ध्यान रखें। कोई अपने देश के अंदर की कोई बातें कह करके अगर कोई आलोचना होती है तो हम सहन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे देश की इमेज विदेशों में घटती है, ऐसी चीजों से इनको सावधान रहना चाहिए, इस प्रकार के खेल ना खेलें। एमनेस्टी जब भी भारत में आकर के काम करने लगी तो इनसे पूछा गया कि आप ये सब काम करते हैं, आपने सोर्स ऑफ फंडिंग ये बताओ, तो उन्होंने सोर्स ऑफ फंडिंग बताने की बजाय ये कह करके कि भारत में काम करना बड़ा मुश्किल है, यहां से बिस्तर बोरी लग गया और ये एमनेस्टी बिस्तर बोरिया मान के चली गई। तो जो संस्था अपने सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बता सकती उसकी कहानी के ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके सबके तार ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो भारत देश की इमेज को खराब करना चाहिए।